सेशन ले रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। टुडे इज आवर लेसन फॉर क्लास 11 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। द टॉपिक इज रूल ऑफ लॉ। व्हाट डू यू मीन द रूल ऑफ लॉ? इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। यानी जो इंडिपेंडेंट आज़ादी जो होनी चाहिए जुडिशरी को, वो ज़रूरी है किसके लिए? लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जो होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनको क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। यानी जब इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा तो उसे क्या होगा? जो प्रोटेक्शन होगी, जो प्रोटेक्ट है उसको प्रोटेक्ट देंगे लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल होते हैं उनको उससे ही प्रोटेक्शन मिल सकता है जब इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। इट इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ मॉडर्न, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी, इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है यानी इसकी जो बुनियाद है वो क्या है? दैट इज़ देयर शुड बी इंडिपेंडेंट जुडिशरी फॉर द प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। नोटेड राइटर मोंटेस्क्यू, जो राइटर एक था मोंटेस्क्यू, उसने लिखा है, हैड कमिटेड, उसने कमिट दिए हैं, हैज कमिटेड, उसने कमिट दिए हैं, यानी राजनी की है, कमिटेड मैंने राजनी की है, उसने क्या उसके बारे में बोला है? हैड कमिटेड दैट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को कामयाबी होने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, इट वॉज नेसेसरी टू सेग्रीगेट द जुडिशियल फंक्शन फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी को कामयाब करने के लिए क्या होना चाहिए? हमें सेग्रीगेट होना चाहिए, सेग्रीगेट हो अलग होना चाहिए, क्या जुडिशियल फंक्शन अलग होनी चाहिए किससे? लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन और जो लेजिस्लेटिव फंक्शन जो होते हैं उनसे हमें अलग करना है। कौन से कारण अलग करना है? जुडिशियल फंक्शन को हमें अलग करना फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी और जुडिशरी। द एग्जिस्टेंस ऑफ जुडिशरी इज एसेंशियल, जो एग्जिस्टेंस होगा, जो वजूद जो है जुडिशरी का, ये ज़रूरी है। एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ मॉडर्न, यानी मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या है? ये ज़रूरी है। द एग्जिस्टेंस ऑफ जुडिशरी, वजूद जो जुडिशरी का है ये ज़रूरी है किसमें? मॉडर्न डेमोक्रेसी में वजूद है ज़रूरी, यानी वजूद होना चाहिए जुडिशरी का, ये मॉडर्न डेमोक्रेसी में ज़रूरी है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद, यानी जो गवर्नमेंट जो है उसको क्या करना चाहिए? इन अकॉर्डेंस विद, मुवाफिक। रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट गवर्नमेंट मस्ट कैरीड, जो गवर्नमेंट चलनी चाहिए इन अकॉर्डेंस, मुवाफिक मुवाफिक विद द लॉ, लॉ के लॉ एज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? ये चलनी चाहिए किस पर? कैरीड ऑन, ये चलनी चाहिए मुवाफिक विद द लॉ एज अगेंस्ट, यानी जो लॉ होना चाहिए ये लॉ के तहत काम करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू विम्स ऑफ द रूलर, जो रूलर्स होते हैं उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होना चाहिए, यानी इनकी मर्जी के मुताबिक गवर्नमेंट नहीं चले, बल्कि ये कैसे? इट शुड बी गवर्नमेंट शुड वर्क अंडर द रूल ऑफ, यानी रूल के रूल लॉ के तहत उसको काम करना चाहिए, यानी रूलर के जो है रूलर्स के जिम्स के तहत उसको नहीं चलाना चाहिए। लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्ट, एक इंडिविजुअल की लिबर्टी प्रोटेक्ट होती है थ्रो रूल ऑफ लॉ, जो एक इंडिविजुअल जो होता है उसकी जो लिबर्टी होती है उसको प्रोटेक्शन होता है किसे? थ्रो रूल ऑफ लॉ, लॉ के जरिए उसको प्रोटेक्शन मिल सकती है। इट वॉज प्रोफेसर, एक प्रोफेसर जो था डीके जो था वो गेव थ्री प्रिपोर्शन, उसने तीन प्रिपोर्शन दिए हैं ऑन द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ पर और द ब्रिटिश ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, उसने तीन प्रिपोर्शन दिए हैं। नंबर वन है, दिस इंक्लूड है, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रेक ऑफ, किसी को कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, तब उसको सज़ा मिलनी चाहिए जब वो ब्रेक करेगा, तोड़ डालेगा कानून की, कानून का ये उसका जो ये रिकॉर्ड बराबर नहीं रखेगा, यानी जब उसका कानून का वो पास नहीं करेगा प्रोटेक्ट, उसको तब भी सज़ा मिलनी चाहिए व्हेन ही एक्सेप्ट फॉर द ब्रेक, जब वो लॉ को कानून को तोड़ता है तब भी उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, यानी कानून की बलादस्ती होनी चाहिए।
इट मीन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी हर जो इक्वलिटी होनी चाहिए लॉ के सामने, हर एक को बराबरी होनी चाहिए एंड इक्वल प्रोडक्शन, और इक्वल प्रोडक्शन होनी चाहिए लॉ को, इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ, यानी बराबर उसको प्रोडक्शन होनी चाहिए लॉ के जरिए, लॉ के जरिए लॉ पर हर एक को बराबर होना चाहिए और हर एक को प्रोटेक्शन होना चाहिए लॉ के जरिए। एक तो बराबरी होनी चाहिए, दूसरा हर एक को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए किसके जरिए, लॉ के जरिए। नो पर्सन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इज अबोव द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, कोई भी इंसान लॉ के ऊपर नहीं है, लॉ इज अबोव द अबोव, नो बॉडी इज अबोव द लॉ, यानी हर एक पर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे भी को, हर एक पर कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। एनी वायलेशन ऑफ लॉ, अगर कोई वायलेशन करता है इन्वॉल्व पनिशमेंट फॉर ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स ऑफ अदर, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई लॉ को मतलब करता है, वायलेट करता है, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए इरेस्पेक्टिव, बगैर कि इरेस्पेक्टिव द स्टेट्स ऑफ अदर, यानी कि ये नहीं हमें याद रहे उसको एक स्टेट, उसको एक स्टेट्स है, यानी उसको एक मरतबा है, यानी लॉ में हर एक को बराबर मिलना चाहिए, बराबर कानून का जो हक है वो सब के लिए बराबर होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ गारंटीज राइट्स ऑफ द पीपल, जो रूल ऑफ लॉ है वो गारंटी देता है, क्या जो राइट्स आप लोगों के होते हैं, लोगों के जो राइट्स हो जाए उनको गारंटी देता है। इन मॉडर्न सेंस में रूल ऑफ लॉ हैज बीन रिडिफाइंड, उसको रिडिफाइन किया गया है बाय हार्वी एंड बोदर, हार्वी और बोदर ने फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी रेस्ट्रेन्ड ओनली अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, जो भी इंडिविजुअल होगा उसकी जो लिबर्टी है वो रेस्ट्रेन होनी चाहिए, शुड बी रेस्ट्रेन्ड, काबू में रखना चाहिए। The freedom of individual must be restricted, उसको काबू में रख, only under the authority of law के तहत, हर एक individual को जो आज़ादी है वो क्या होनी चाहिए, restrained होनी चाहिए, काबू में होनी चाहिए, only under the authority of law के तहत, जिसको जो भी freedom उसको मिलनी चाहिए वो law के under होनी चाहिए, law के ऊपर नहीं होनी चाहिए। Justice must be regarded as the end of justice, जो है इंसाफ है, हर एक के लिए इंसाफ एंड होना चाहिए, हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम, जो रूल ऑफ लॉ है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, बुनियादी प्रिंसिपल है मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम का, एज इट इंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन, ये इंश्योर करता है हर आदमी, हर मर्द और औरत जो है वो बराबर बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने मर्द और औरत बराबर, दोनों बराबर हैं, यकसान थे उनके बराबर। एबसेंस ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, जो एबसेंस हुआ होती है स्पेशल कोर्टों की, फॉर एक्ट्स ऑफ ऑफिशियल, जो एक्ट्स करते हैं ऑफिशियल, एंड पनिशमेंट्स ओनली, जो पनिशमेंट जो है ओनली टू दोज हु आर गिल्टी ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ, उनको मिलनी चाहिए जो क्या करते हैं, जो गिल्टी पाए जाएंगे, जो गिल्टी ऑफ वायलेशन, जो गलती करते हैं उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो लॉ की वायलेशन करते हैं। द एक्यूज्ड इज आल्सो गिवन एन अपॉर्चुनिटी, जो एक्यूज्ड है जो वायलेशन लॉ की करता है उसको क्या करना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए टू डिफेंड, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, हिमसेल्फ, अपने आप को महफूज करने के लिए, बचाने के लिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में उसको ये हक मिलना चाहिए कि अपने आप को बचा सके। Today's lesson for class 11, rule of law is complete. Thank you. Assalamu alaikum.